हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं निमिष होगी एंड यू वाचिंग मी। ओके गाइस, लॉस सैंटोस के यार ये देख रहो दिन भर चुके हैं क्योंकि गाइस अब आने वाली है गर्मी और मुझे बिल्कुल भी गर्मी पसंद नहीं है यार। यहाँ पे ठंडा मौसम था काफी बढ़िया, लेकिन आज तो काफी ज्यादा कड़क धूप निकल रखी है। ओए नले, बाहर आ जल्दी। अरे यार भैया आ गया। यार ये भैया और सिंचन है गाइस, एक सुपर यार क्या बोलते हैं सुपर साइकिल खरीदी है जिसमें यार आज भैया स्टंट बाजी करके दिखाएंगे। ओए आ गया, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तेरा। अरे भैया दिखाओ दिखाओ अपना स्टंट। वैसे स्टंट क्या करने वाले भैया? ओए ये देख, साइकिल को मैं आज अपने छत पे लेकर जाऊंगा, वो भी देखो कैसे। अरे भैया कंधे पे लेकर जाओगे क्या? ओए कंधे पे नहीं, उछाल के सीधा। अरे यार देखते हैं जैक भैया तुमसे स्टंट होगा कि नहीं होगा। ओए कैसी बात कर दी पिद्दे, ये स्टंट तो बेर से होगा। अबे रुक दिखाता हूँ मैं तुझे कैसे होता है। अरे यार भैया स्टंट के चक्कर में अपनी हड्डी पसली मत तोड़वा लेना। ओए उसकी टेंशन मत ले मुन्ना, ये हड्डी लोहे की बनी है, समझ गया, आयरन की बॉडी है मेरी। अरे यार भैया बस करो, इतना भी मत फेंको भैया। ओए मैं फेंक नहीं रहा, सही बोल रहा हूँ, मेरी आयरन की बॉडी है। ए ठीक है चलो गाइस देखते भैया का स्टंट कैसे होने वाला है। ओए रुक जा, फोन को साइड में कर। अबे रुक अभी दिखाता हूँ, ये देखा मुन्ना। अरे बाप रे, ए भैया यही तुम्हारा स्टंट था, एक नंबर का फेल हो गए भैया। ओए एक बार तो हर कोई फेल होता है, अबे दूसरी बार देख मैं कैसे करके दिखाऊंगा। ए भैया मुझे तो लगता है तुमसे दूसरी बार भी नहीं होगा। ओए देखियो मैं करता हूँ, तुझे क्या लग रहा है? उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो पार कर दूंगा। अच्छा गाइस देखते क्या भैया पार कर पाएंगे कि नहीं। यार भैया तो पागल हो चुके लग रहा है मुझे। ओए तू ऐसे बोला कि तू कर ही देगा ये, आ ये ले। अरे यार थोड़ी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी साइकिल के। भैया मुझे भी लगता है साइकिल की स्पीड कम है, भैया उसके अंदर ऑयल डालो। ओए ऑयल डालने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आ ए भैया तुम रहने दो, मैं जरा ट्राई करता हूँ, अब देखना भैया मैं कैसे इस साइकिल को सीधा छत पे लेकर जाऊंगा। ओए ठीक है देख लेते हैं तेरे में कितना था मैं। ओके गाइस अब मैं भी यहाँ पे ट्राई करने वाला, और यहाँ पे ऑयल वगैरह डाल के मैंने साइकिल की थोड़ी स्पीड बढ़ा दिया जिससे व्हील आराम से घूम रहे। और गाइस यहाँ पे अब काफी स्मूथ साइकिल चल रही है। आई थिंक इतनी स्पीड भी इनफ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस फिर भी ट्राई करेंगे। ओए मुन्ना कहीं अपना हेड मत तोड़वा लियो। ए भैया मेरी टेंशन मत लो। अरे बाप रे यार ये क्या गाइस, यार ये साइकिल पलट गई मेरी। ओए करवा ली बेइज्जती, मैं तो कम से कम गिरा तो नहीं था, तूने तो मुन्ना अपना सर फोड़वा लिया। ए भैया अब तो मैं कुछ चाहे जो हो जाए इस स्टंट को पार करके रहूंगा। ओके गाइस अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है, तो मैं इज्जत के लिए अब तो पार करके रहूंगा भैया। ओए फिर से सर फड़वाएगा अपना। अरे बाप रे बाप बहुत बुरे लगे। अरे यार ये क्या कर रहे होगी भैया, ये लगातार सर फड़वा रहे अपना। अरे यार रुको सिंचन, अब तो बहुत हो गया भैया, एक काम करना पड़ेगा। अरे यार ये क्या गुस्से में तुमने मुझे क्यों गिरा दिया? अरे सॉरी सॉरी सिंचन, वहाँ पे रैंप लगा देते, उसके बाद देखना भैया मैं कैसे पार करूंगा। ओए ठीक है रैंप भी लग गया, अब देखते हैं। ओके गाइस तुमने वहाँ पे रैंप जुगाड़ लगा के लगा दिया। गाइस देखते क्या भी स्पीड यहाँ पे साइकिल की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई, क्या मैं सीधा छत पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं। ओए फिर से मत गिर जाइयो। ए भैया मैं बार बार गिरूंगा क्या? कुछ भी। ओके गाइस अब मैं ट्राई करने वाला हूँ, देखना अब मैं कैसे पार करूंगा। ए भैया ओए कर ले। ओके गाइस यहाँ पे सीधा ये मैंने लगाई जंप। ओ ये पहुंच गया मैं। ओ भाई 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 बचा बचा। ओके गाइस मैं सीधा छत पे आ गया। भैया देखा ना जो स्टंट तुमसे नहीं होता वो मेरे से हो जाता है। ये हुई ना बात। ओके गाइस ना मुझे साइकिल को लेके सीधा स्विमिंग पूल में जंप कर देना है। ये भैया मैं आ गया स्विमिंग पूल में। ओके गाइस साइकिल का इंजन खराब नहीं होता है क्योंकि यार ये साइकिल पानी में धुल भी जाएगी। ओके फाइनली मुझे भी काफी कूल लग रहा है, लेकिन गाइस ये स्विमिंग पूल में ये क्या है भाई? ए दोस्तों ये स्विमिंग पूल के अंदर ये कैसा डोर बना हुआ है? ये डोर है कहाँ से आ गया? भैया यहाँ पे एक सीक्रेट डोर मिल गया मुझे स्विमिंग पूल के अंदर। ओके गाइस मैं भैया और सिंचन को बुलाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक सीक्रेट डोर मिला है। ये सीक्रेट डोर कितना सीक्रेट है? ओके गाइस फटाफट से भैया सिंचन को बुलाया जाए और दिखाते हैं उनको। ओए मुन्ना कहाँ गया तू? ए भैया मैं स्विमिंग पूल में आ गया और मुझे यहाँ पे कुछ मिला है। ओके गाइस यार ये लोग को तो मुझे बुलाने पड़ेगा। ए भैया मेरी बात सुनोगे? ओए तू पहले ऊपर आ।
अरे यार आ रहा हो गए गाइस, यहाँ पे एक हमें सीक्रेट डोर मिल चुका है जो कि स्विमिंग पूल के अंदर है। इससे पहले कोई ऐसा सीक्रेट डोर मुझे नहीं दिखा था कि जो किसी चीज के अंदर हो। ओए मुन्ना क्या हो गया? अरे साइकिल कहाँ गई? अरे भैया साइकिल तो नहा रही है स्विमिंग पूल के अंदर, लेकिन मुझे एक मैजिकल सीक्रेट डोर मिला है। ओए सीक्रेट बोले आप, मैजिकल बोले? ए भैया ये देखो सीक्रेट डोर ये वाला है। ओके गाइस हम इस सीक्रेट डोर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखते भैया टूटता है कि नहीं। ओए सीधा ग्रेनेड लॉन्चर। अरे यार मेरी तो वाट लग गई। ए सिंचन फिशर है ना, दोबारा ट्राई करते हैं। भैया यहाँ पे पानी की वजह से मुझे लगता है इस डोर पे ज्यादा डैमेज नहीं लग रहा है, लेकिन गाइस इस डोर को तोड़ने के लिए इतना पावर बहुत ज्यादा था ग्रेनेड लॉन्चर से। लगता है यह डोर अभी भी नहीं टूटा। ओए टूटेगा भी कैसे? अरे गाइस यार ये सही बोल रहे भैया, ये टूट क्यों नहीं रहा? यार यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, भैया इसको तोड़ना। ओए मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे से नहीं होगा। अरे यार रुको मेरे पास शॉटगन है, मैं शॉटगन से ट्राई करता हूँ भैया। ओके गाइस देखते हैं गाइस यहाँ पे सिंचन अभी यहाँ पे ट्राई करने वाला शॉटगन लेके। अरे यार ये तो टूट के रहेगा, ये ले इसको मैं इतना मारूंगा कि टूट जाएगा। अरे यार सिंचन मुझे लगता है कि तुम्हारे गन से भी वो नहीं टूटेगा। ओए सिंचन रहने दे हाँ पाथ निकल गया तेरा। अरे यार मेरा पाथ नहीं निकला, लेकिन इस दरवाजे का जरूर निकल गया होगा। अब ये दरवाजा तो टूट गया है लगता है। अरे यार सिंचन वो दरवाजा भी नहीं टूटा ना ही खुला है। अरे यार ये दरवाजा किससे बना है जो कि खुल ही नहीं रहा है? अरे गाइस यार ये भी बहुत ही ज्यादा लगता है कुछ बहुत ही ज्यादा मजबूत शील्ड से बना है। ओए शील्ड से नहीं एलिमेंट से गधे। अरे हाँ वही मतलब मेरा वही था भैया। ओए अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी मशीन गन चलाऊंगा तब इस दरवाजे की वाट लगा दूंगा। अबे तू देख मेरी मशीन गन के सामने कोई भी चीज नहीं देख सकते मुन्ना, ये देख। अरे भैया क्या कर रहे हो? भैया आप क्या पागलपंती कर रहे हैं? लॉस सैंटोस की पुलिस वाले को पता चला ना भैया, वो खंबे का पैसा हमसे ले लेंगे। ओए जब पता चलेगा तब तो। भैया वैसे खंबे को कुछ भी नहीं हुआ। ओए बगल वाले की खिड़की तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा। भैया जो तुम्हें तोड़ना है वो तो तोड़ लो, बे मतलब की चीजें तोड़ने में लगे पड़े हो। ओए मुन्ना ये देख मैं काम करता हूँ, ये देख रहा है? अरे भैया दरवाजे को भून दो। ओए भून दिया मैंने इसको, अब जरा चेयर पे भी मार के दिखा दो, देख रहा है ना लकड़ का धुआं धुआं कर दिया मैंने। अरे यार भैया जो काम करना उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। ओए अब ये दरवाजा पक्का टूट गया मुन्ना, अब इसको छूते ही खुल जाएगा देख लियो। भैया मुझे तो नहीं लगता इसको कुछ होने वाला है। भैया ओए पक्का हो गया होगा मुन्ना, तुझे कुछ नहीं पता, अब मैं दिखाता हूँ ये दरवाजा पक्का खुल गया है। ओए खुल जा सिम से। अरे बाप रे, ए भैया क्या कर रहे हो, जल्दी दरवाजा खोल के देखो खुला क्या। ओए ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। अरे भैया क्या हो रहा है मुन्ना, इस पे जो गोलियां लगी तो फिर से ठीक हो रही है। अरे भैया ये अपने आप को हील कर ले रहा क्या डोर? ओए मुन्ना सही कहा, मुझे तो नहीं लगता है किसी चीज से टूटने वाला है। अरे यार भैया ये टैंक भी नहीं ला सकते, अगर टैंक हम यहाँ पे चलाएंगे तो हमारा घर ही का स्विमिंग पूल ही टूट फट जाएगा भैया। ओए बात तो सही कह रहा है, यहाँ पे धमाका भी नहीं कर सकते ज्यादा तगड़ा, पता चले स्विमिंग पूल ही टूट गया। ओके भैया अब ये कैसे खुलेगा दरवाजा? अरे यार भैया ये सीक्रेट डोर का गाइस कुछ ना कुछ तो यार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए, दरवाजा कैसे तो खुलना चाहिए भैया। ए यार भैया क्या इसका अब? ओए मुन्ना मुझे लगता है दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। भैया ऐसे तो अपने आप दरवाजा नहीं खुलने वाला। ओए खुल जा सिम सिम बोल के देख ले। अरे यार क्या भैया खुल जा सिम सिम से खुलेगा? गाइस यार यहाँ पे एक पेपर रखा है, ये पेपर कैसा है यहाँ पे? ए भैया ओए क्या है? अरे यार भैया पेपर है, इस पे लिखा है कंप्लीट टास्क टू ओपन द डोर। ओके गाइस हमें उस डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट टास्क करने पड़ेंगे। फर्स्ट टास्क है टेक अ सेल्फी विद प्रेसिडेंट। अरे यार ये कैसा टास्क है प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी लेनी भैया? ओए मुन्ना मैं नकली प्रेसिडेंट बन जाता हूँ फिर मेरे साथ सेल्फी ले लियो। अरे भैया ऐसा भी होता है क्या? गाइस हमें टेक अ सेल्फी विद प्रेसिडेंट, गाइस हमें सेल्फी लेनी है प्रेसिडेंट के साथ, पहला टास्क तो हमारा ये हो गया भैया। ओए ये तो बहुत ही मुश्किल है, पुनः प्रेसिडेंट कहाँ मिलेगा? अरे भैया मैं प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी लेनी है, ये तो कुछ ज्यादा टफ हो चुका है यार। ए भैया ओए प्रेसिडेंट का पता करने के लिए मुझे एक बार फोन पे चेक करना पड़ेगा मुन्ना कि प्रेसिडेंट आसपास कहीं आ रहा है क्या। अरे भैया मैंने सुना था कि प्रेसिडेंट आउट ऑफ कंट्री गए, कहीं दूसरी कंट्री में, क्या वो वापस रिटर्न आए क्या?
ओए रुक जा, मैं इंटरनेट पर सर्च करके देख लेता हूँ कि प्रेसिडेंट क्या पहुँच चुके हैं क्या लॉस एंटोस में कि नहीं पहुँचे। ए भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ओए मुन्ना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अरे अरे बाप रे मुन्ना प्रेसिडेंट यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अरे भैया किधर? ओए लॉस एंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्रेसिडेंट का कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। ए भैया एयरपोर्ट पे क्या? ओए हाँ हाँ एयरपोर्ट पे। ओके गाइस यार प्रेसिडेंट लॉस सैंटोस में आने वाले हैं, तो गाइस यार वहाँ पे हम भी जाके भैया एयरपोर्ट पे वहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। ओए मुन्ना ये तो चुटकियों का खेल है। ओए मैं यूं गया और यूं सेल्फी भी लेकर आ जाऊँगा। ए गाइस यार चलो देखते हैं, भैया जैसे बोले ना ये प्रेसिडेंट इनका दोस्त है, यूं जाएंगे और चुटकियों में सेल्फी लेकर आ जाएंगे। गाइस यार प्रेसिडेंट के बगल में नेशनल सिक्योरिटी वाले होते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी मामले इंसान को अपने पास आने देंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास जाने देंगे भैया। ओए मुन्ना सही कहा तूने, अरे यार ये तुमने मुझे कहाँ बैठा दिया? अरे यार सेंशन जगह नहीं तो आगे बैठो ना। अरे यार थोड़ा आराम से चलाना, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओके गाइस हम जा रहे सीधा एयरपोर्ट पे और हम वहाँ पे भैया ओए मुन्ना प्रेसिडेंट से सेल्फी ले रही है। तू टेंशन मत ले, प्रेसिडेंट से अपनी जान पहचान बहुत है। वाह भैया कुछ भी फेंक रहे हो, भैया फेंकने की भी बात नहीं है। ओए मैं फेंक नहीं रहा, सही बोला हूँ। अरे भैया फेंकू चंद कहीं के, आए बढ़ाओ। तुम्हारी जान पहचान खाली जेब कतरों से हो सकती है, प्रेसिडेंट से नहीं। ओए कैसी बात कर रहे हैं भैया, मैं सही बोल रहा हूँ। आए बड़ा प्रेसिडेंट से जान पहचान करने वाले हो गए गाइस हमें कुछ ना कुछ यार। टिकड़म लगा के प्रेसिडेंट से सेल्फी लेनी पड़ेगी, क्या प्लान बनाया जाए भैया? ओए मुन्ना मेरे पास एक दमदार प्लान है, मैं जाऊंगा सीधा, ओए प्रेसिडेंट से बोल दूंगा कि मुझे सेल्फी चाहिए, मैं तुम्हारा सिटीजन हूँ। आ भैया अरे ओए बाप रे बाप, मुन्ना तूने अच्छा नहीं किया। अरे बाइक को आराम से चला ले भैया, ये निंजा बाइक है और ये निंजा बाइक आराम से नहीं चलती भैया, हवा से बात करती है। अबे तो हवा से बात तो करवा, लेकिन मुझे आसमानों से बात मत करवा। अच्छा ठीक है गाइस यार निंजा बाइक। ओके गाइस यार यार सिंचन भी थोड़ा सामने, जिसकी वजह से मुझे सामने का नजर नहीं आ रहा है। ओए ठीक है मुन्ना, वैसे प्लान तो यही है मेरा। ये भैया मेरे को दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। गाइस यार भैया का प्लान तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे लगता है भैया पक्का सिक्योरिटी वाले से पिट कहेंगे। ओए ऐसे कैसे मार देंगे मुझे, समझ गया? ए भैया मुझे लगता है कि तुम्हारी वाट लग जाएगी। ओए चुप रहे, मेरा प्लान काम करेगा। ओए भैया मुझे नहीं लगता तुम्हारा प्लान काम करने वाला है। गाइस यहाँ पे भैया का प्लान ए है और मैं अपना प्लान भी सोच लेता हूँ। ओके गाइस मुझे प्लान भी बनाना है, मुझे प्रेसिडेंट से सेल्फी चाहिए और नया नेशनल सिक्योरिटी वाले जो उनके गार्ड होंगे वो हमें उनके पास जाने नहीं देंगे, तो मैं कैसे ले लूंगा यार सेल्फी? ओए मुन्ना इसका जुगाड़ तो मेरे पास है ना, मैं VIP हूँ। अरे ये क्या भैया तुम VIP कब हो गए? अरे मैं VIP हूँ लॉस सैंटोस के लिए, मेरे को कोई भी अंदर जाने देगा। ए भैया बड़ा है VIP बनने वाले, शक्ल दे देखो अपनी। ए 2 रुपए की शक्ल लेके VIP बनोगे? ओए ऐसी बात मत कर मुन्ना, तू तो मेरी बेइज्जती करने में लगा रहता है। अरे यार भैया चलो गाइस यार। ओके ओके फाइनली गाइस यहाँ पे लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं और हमारे पास यही एक मौका है भैया। ओए मुन्ना सीधा बाइक अंदर ले चल। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया, ये लोग हमें अरेस्ट कर लेंगे। ओए ले चल ना तू। अबे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, अबे यहाँ भंडारा बट रहा है क्या, निकलो यहाँ से। अरे यार ओए हमें प्रेसिडेंट से सेल्फी चाहिए। अबे पागल कहीं के, चल निकल यहाँ से फूट यहाँ से। अरे भैया करवाली ने भेज दिया आखिरकार, मैं क्या बोल रहा था तुम्हें? ओए लगता है वो मुझे जानता नहीं है, हाँ मैंने उसको नाम नहीं बताया ना अपना। ए भैया अपना नाम बता देता पक्का वो भैया लात घूसे जरूर भर देता। ओए ठीक है चल, अब मैं अपना प्लान ए पे काम करूंगा मुन्ना। अबे तुझे चलना है तो चल ले। भैया मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, मैं अपना एक प्लान बना के आऊंगा, प्रेसिडेंट से सेल्फी लेना कोई मामूली काम नहीं है। ओके गाइस ओए चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओके ओए मेरा प्लान तो देख कैसे काम करेगा, आया बड़ा तू। ए भैया ठीक है प्लान में सक्सेसफुल होना, पिटाई मत खा रहा। ओए कौन हाथ लगाएगा, 2.5 किलो का हाथ पड़ गया ना। ओए इनको दो टाइड फिस कर दूंगा। अपने चौड़े मुन्ना अपना सिस्टम है। अरे यार भैया सिस्टम चला रहे हो, देखते भैया का सिस्टम ना बच जाए खुद से। ओए अपना सिस्टम है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं अपने चौड़े। अरे सर कहाँ जा रहे हो? ओए मैं प्रेसिडेंट का खास दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है
यार देखा ना ऐसे काम बनता है, अपने आप को दोस्त बताने का और आराम से निकल जाने का। हाँ आखिरकार मुझे कोई टेंशन है, अटकले तू बोलेगा क्या? ओए मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं हूँ असली फौजी। हाँ अरे प्रेसिडेंट कहाँ पर है? अरे ये अरे प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट, मुझे आपके साथ सेल्फी चाहिए। अरे प्रेसिडेंट कौन सा प्रेसिडेंट है? अरे यहाँ पे तो इतने लोग हैं, प्रेसिडेंट की तो मैं शक्ल ही भूल गया। अरे सर मैं आपके साथ तो सेल्फी लेना चाहता हूँ। अरे ये कौन आ गया सामने, गाड़ी इसको हटाओ जल्दी यहाँ से। अरे प्रेसिडेंट सेल्फी चाहिए। अरे मारो इसको जल्दी से, भगाओ इसको, आतंकवादी आ गया लगता है, टेररिस्ट है तो। अरे बाप रे बाप, ये क्या ऐसी जगह जगह गोली मारे, मुझे समझ नहीं आ रहा है सांस कहाँ से लो और कहाँ से छोड़ू। बाप रे बाप, ये प्रेसिडेंट ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुन्ना, ओए मुन्ना, ए भैया क्या हुआ यार? भैया ये क्या हो गया भैया? भैया मुझे पता था तुम्हारे साथ यही होने वाला है। ओए मैंने पूरा ट्राई करा मुन्ना, लेकिन प्रेसिडेंट से मेरे ऊपर गोली चलवा दी। भैया ये होने वाला तो तुम्हारे साथ में, और जो तुम जिसके सामने खड़े थे ना वो प्रेसिडेंट नहीं था भैया। ओए क्या बात कर रहा है? ए भैया वो उनका खास सिक्योरिटी मैन था। ओए मुझे लगा वही प्रेसिडेंट है। ये तो गलती भिड़ गया मैं। भैया करवा ली अच्छी वाली बेइज्जती। सिंजन तुम्हें अपना प्लान पता ना क्या करना है? अरे यार रोगी भैया हमें तो पूरा प्लान पता है, चलो चलते हैं। ओए कौन सा प्लान? अरे भैया अब तुम बस देखते जाओ अपना प्लान कैसे काम करेगा। अरे यार रोगी भैया प्लान तो काम कर जाएगा ना? अरे यार सिंजन मेरे प्लान पे शक नहीं करने का, 100% ये प्लान काम करेगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे प्रेसिडेंट के बारे में कुछ रिसर्च कर लिया और रिसर्च करने में मुझे काफी चीजें पता चल गई है कि प्रेसिडेंट को बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। हो गए गाइस यहाँ पे मैं सिंचन का बन चुका हूँ डैडी और सिंचन मेरा है सन। अरे यार बिल्कुल सही कहा ओगी डैडी, आप कैसे हो? अरे यार सिंचन अभी से एक्टिंग मत चालू करो। हो गए गाइस यहाँ पे एक्टिंग अब चालू की। अरे सर आप कहाँ जा रहे हो? अरे यार मेरे इस बच्चे को बहुत ज्यादा जीत है, इसका एक सपना था कि ये प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी लेना चाहता था बचपन से। अरे तो बचपन तो अभी इसका चल ही रहा है, अभी कौन सा बड़ा हो गया? अरे यार ये लेकिन ये इस शहर से जा रहा है बाहर कहीं और रहने के लिए, और हम लोग यहाँ लॉस सेंटर्स में अब रहेंगे नहीं, लेकिन इस बच्चे का सपना था कि ये सेल्फी लेना चाहता था एक बार प्रेसिडेंट के साथ। अरे यार ये क्या, अरे गाइस चलो आप सिंचर होने लग गया, प्लीज यार प्लीज सिक्योरिटी सर आप प्रेसिडेंट से बोल सकते हो? अरे यार अरे डैडी डैडी, अरे लिखता है मेरे साथ कोई सेल्फी नहीं लेना चाहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है। अरे हाँ सिंचन, अरे सिंचन बेटा कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट को ज्यादा काम है अर्जेंट, मत रो सिंचन। अरे रोना तो, अरे ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे होते कोई बच्चा नहीं रो सकता है, लगता है वहाँ पे कोई बच्चा रो रहा है, सिक्योरिटी जल्दी धरो। अरे बाप रे बाप, टांगे जवाब दे गई है मेरी वैसे। अरे बच्चा कहाँ पे रो रहा है, तुमने कुछ किया क्या सिक्योरिटी? अरे सर हमने कुछ नहीं कहा, ये बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा है कि आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है। अरे तो सेल्फी की बात है ना, बच्चे तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बच्चे रो मत, मेरे साथ सेल्फी ले लो आके, वैसे मैं बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। हे प्रेसिडेंट सर मुझे पूरा आपके ऊपर विश्वास था कि आप ऐसे करोगे। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ए तो फाइली खाई हमें सेल्फी लेनी है। सिंचन बेटा लाइन में, मतलब कि प्रेजेंट के सर खा खड़े हो साथ में। आरिया ठीक है होगी डैडी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है गाइस, मैं फटाफट से अपना कैमरा चालू करता हूँ। ए वाली गाइस कैमरा तो ठीक है, अब मुझे बैक कैम को ऑन करना, नहीं नहीं बैक तो ऑन ही है, मुझे फ्रंट कैम को ऑन करना। अरे यार क्या कर रहे होगी भैया, जल्दी करोगे जल्दी करो। अरे सिंचन क्या कर रहे हो, अपनी पोल खुल जाएगी। ओके गाइस फटाफट से मैं अपना बैक कैम ऑन करके यहाँ पे अभी सेल्फी लेता हूँ। वैसे सेल्फी लेना मुझे आता नहीं है। ओके गाइस हमने सेल्फी ले ली प्रेसिडेंट के साथ में फाइनली, थैंक यू प्रेसिडेंट, हमारे पास आ चुकी है सेल्फी। चलो सिंचन चलो 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 जल्दी, अब तो सीक्रेट डोर का एक टास्क हमारा कम्प्लीट हो गया। अरे कैसा सीक्रेट डोर? और यहाँ पे तो काम बन गया प्रेसिडेंट, थैंक यू। ओके गाइस यार अपना एक सेल्फी वाला टास्क हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के साथ में ले लिया सेल्फी। अरे यार बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। ओके चलो चलो,
ए दोस्तों यहाँ पे तो काफी ज्यादा मस्त मजा आया। फाइनली हमारी सेल्फी हो चुकी डन और हमारा पहला टास्क हो चुका है कम्प्लीट जो कि प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी लेना था। अभी दो टास्क और बाकी है। दूसरा टास्क पता नहीं क्या था भैया। ओए मुन्ना काम बन गया। ए भैया मेरा तो काम बन गया, अपना काम बनता भैया। चलो गाइस, अरे ये क्या सिंचन तुम भैया के सर पे क्यों चढ़ गए? आरी आरी है, चलो मैं ऊपर कंधे पे बैठ जाता हूँ। अरे यार नीचे बैठो यार, सिंचन क्या कर रहे हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। गिर जाओगे नीचे। अरे यार मैं नहीं गिरूंगा। अरे यार सिंचन गिर जाओगे, जल्दी से नीचे बैठ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ। ए सिंचन सही से बैठोगे कि नहीं? अरे यार ठीक है मैं बाइक को स्लो करूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ चेयर पे। अरे यार सीट पे बैठो। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे अब हम लोग चल रहे घर पे और हमारा सेकंड टास्क क्या है वैसे भैया? ओए मुन्ना मुझे एक चीज बता, तूने यहाँ पे ये तुझे पता कैसे चल गया? ओए प्लान तेरा क्या था? अरे यार भैया प्लान मेरा बहुत ही ज्यादा इजी था। मैंने जाके गूगल पे सर्च करा प्रेसिडेंट को क्या क्या पसंद है, तो गाइस सबसे ऊपर पता है क्या दिखा? प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा बच्चे पसंद है, छोटे बच्चे। ओए तो आगे क्या हुआ? अरे भैया तो मैंने सिंचन को यहाँ पे अपना बेटा बना लिया और मैं सिंचन का पापा बन गया, जिससे अपन दोनों जाके वहाँ पे नाटक करा और यहाँ पे सिंचन एक्टिंग करने लगा रोने की। उसके बाद प्रेसिडेंट की नज़र सिंचन पे पड़ती और प्रेसिडेंट आते हैं सिंचन के पास, एक सेल्फी खिंचवा लेते। भैया देखा ना भैया कितना छोटा प्लान था। ओए प्लान तो बहुत ही बढ़िया बनाया मुन्ना, क्या बात है। वैसे मेरे से ज़्यादा तगड़ा प्लान नहीं था? हाँ भैया तुम्हारे तगड़े प्लान में तो देखा ना इतनी गोलियाँ पड़ी। ओए ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया। मुझे वो चीज प्रेसिडेंट से बोलनी थी, मैं जाके नेशनल सिक्योरिटी वाले से बोल दिया। ए भैया कुछ भी हो लेकिन तुम्हारा प्लान तो एकदम बकवास था। ओए चुप रहे, आया बड़ा। ए ओके गाइस अपना प्लान तो काम बन गया और यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी भी मिल गई और अपना टास्क हो चुका है कम्प्लीट फर्स्ट वाला। अभी दो टास्क और कम्प्लीट करने, उसके बाद वो सीक्रेट डोर खुल जाएगा भैया। ओए वो सीक्रेट डोर के अंदर क्या हो सकता है मुन्ना? ए भैया पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खजाना मिल जाए भैया कहीं। ओए हो सकता है मुन्ना गोल्ड मिल जाए, मैं गोल्ड या तो डायमंड मिल जाए, बाप रे बाप। और या तो खूब सारे पैसे या तो लग्जरी गाड़ी। ए भैया हो सकता है कोई घर भी मिल जाए। ओए घर भी हो सकता है। ओके गाइस देखते हैं, ये सीक्रेट डोर है, ये पोर्टल की तरह काम कर सकता है। देखते अपन को कहां लेकर जाएगा। ओए मुन्ना आजकल के सीक्रेट डोर ना कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे समझ लकी बॉक्स की तरह। ए भैया सही कहा, लेकिन हमें उसे खोलने के लिए टास्क तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। फाइनली गाइस हमने दो मतलब एक टास्क तो कंप्लीट कर लिया, अभी दो टास्क और है भैया। पहला टास्क तो काफी ज्यादा टफ था, लेकिन गाइस हमने प्लान बना के इस टास्क को आराम से कर लिया। ओए तू सही बोल रहे हैं, वैसे मैंने भी कर ही दिया था भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा। ओके गाइस सेकंड टास्क तो मुझे लगता है फर्स्ट वाले से भी टफ होगा भैया। ओए टफ हो सकते हैं या तो इजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तूने पढ़ा नहीं क्या? अरे भैया नहीं मैंने सेकंड वाला टास्क नहीं पढ़ा कि क्या सेकंड टास्क हमें करना है। ओके गाइस घर पे चल के पर्ची में देखेंगे सेकंड टास्क क्या था। ओके फटाफट से घर पे पहुंचते भैया। ओए मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो इतना गोल गोल घुमा के क्यों लेकर आ रहा है भैया? ताकि रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, बार बार लाने में भैया रेड लाइट नहीं मिलती और सीधा फुल स्पीड में हम चले जा सकते हैं भैया। ओए बात तो तू सही कर रहे हैं, अंदर के रोडों से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाइट मिलती है भैया, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा लेकर आया। और यहाँ पे निंजा बाइक है तो भैया एक चुटकी में पहुँच जाते हैं। ए दोस्तों किस किस को निंजा बाइक की अच्छी लगती, कमेंट में जल्दी से बताओ यार अपने फेवरेट बाइक का नाम। ए ओए मुन्ना मुझे निंजा पसंद है और बैनली भी पसंद है। ए भैया मुझे तो निंजा पसंद है, वैसे गाइस केटीएम भी ठीक है लेकिन केटीएम से ज़्यादा तगड़ी निंजा बाइक होती है। केटीएम भैया ठीक ठाक है लेकिन भैया निंजा की तो बात ही अलग है। ओए मुन्ना हायाबुसा तो और खतरनाक है। ए भैया सही कहा। ओके गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, चलो फटाफट से पर्ची पढ़ेंगे भैया, उसके अंदर देखते हैं क्या मिलने वाला है सेकंड टास्क हमें। ओके गाइस सेकंड टास्क मैंने पढ़ा नहीं था, देखते सेकंड टास्क में क्या है। आखिरकार सेकंड टास्क हो सकता है पहले वाले से ज्यादा टफ हो। अरे यार पर्ची नीचे गिर गई। चलो इसको उठा के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओके गाइस पहला टास्क हमने कंप्लीट कर दिया, टेक अ सेल्फी विद प्रेसिडेंट। सेकंड टास्क सेव द बैंक फ्रॉम रॉबर्स। अरे यार ये क्या सेकंड वाला टास्क में क्या दे दिया गाइस, यहाँ पे सेव बैंक फ्रॉम द रॉबर्स। ओए मुन्ना क्या हो गया? अरे भैया हमें बैंक को बचाना है लूटने से।
ओए हम लोग तो बैंक को लूट लेते हैं और ये पहली बार काम करेगी बचाने वाला। ओए मैं नहीं जा रहा। अरे यार भैया जल्दी से देखो फोन के अंदर किसी भी बैंक में रोबरी हो रही है क्या। ओए ठीक है। ए भैया देखो ना क्या भूता भूत की तरह खड़े हो। ओए ठीक है। हाँ मैं देख रहा मुन्ना। ओए कौन सा बैंक है? फिलेका बैंक करके मुन्ना कुछ है, उसके अंदर कुछ लोग घुस गए हैं गन वन लेके। भैया मतलब ये रॉबरी हो रही है गाइस, जल्दी से जाके मुझे इस रॉबरी को रोकना पड़ेगा और यही मेरा सेकंड टास्क है भैया। ओए ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मैं जरा खाना खाने। अरे यार देखा ना गाइस, भैया जोखिम वाला काम नहीं करते। ओके गाइस मेरे पास यहाँ पे स्टन गन है, मैं स्टन गन से उनकी छक्के छुड़ाने वाला हूँ। ओए मुन्ना संभल गई हो? ओके गाइस मैं सिंजन को साथ में नहीं ले आ रहा, मैं अकेले जा रहा हूँ इस टास्क को कंप्लीट करने में। भैया ने तो आगे से पहले सरेंडर कर दिया, लेकिन भैया मैं मतलब दोस्तों मैं तो पार करके रहूंगा। सेकंड टास्क तो मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट करना है और गाइस मैं लोगों का पैसा भी बचा दूंगा रॉबरी से। लेकिन चलो देखते क्या होगा। मैंने अपना आर्मर भी पहन लिया यहाँ पे गाइस, मैंने आर्मर पहन लिया कि बुलेट लगे तो मुझे थोड़ा बहुत ही डैमेज हो, मतलब कि मेरी हेल्थ। ओके गाइस फटाफट से मुझे फेले का बैंक में चलना है, ये हुई ना बात भैया। ओए मुन्ना मैं कॉल पे तेरे साथ में हूँ। अरे यार भैया ये, ओए ठीक है। अरे भैया कॉल कट करो। ओए नहीं करूँगा। अरे यार भैया ठीक है। ओके गाइस फाइनली हमें बैंक में पहुँचना है, वो बैंक। ओ भाई वाला स्टंट देखा गाइस, कितना ज़्यादा दमदार था ये वाला तो स्टंट, एक नंबर मैंने स्टंट करा यहाँ पे। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके फेलेका बैंक में, पता नहीं इसका नाम फेलेका है कि क्या है। ओके गाइस यहाँ पे लगता है, ओए मुन्ना जल्दी करियो, उन लोगों ने नोट निकाल लिए और बाहर एकदम वो कले जो भी पास जाएगा उनको गोली मार देंगे। अरे भैया इनको कैसे पता चल गया? आप मैं जैसे ही पास गया इन लोगों ने मेरे पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। ओ यही तो कह रहा था संभल के। अरे भैया ठीक है। ओके गाइस पे यहाँ पे दो बंदे बाहर हैं जिनके हाथ में काफी ज्यादा भारी वेपन है, लेकिन मेरी स्टन गन लगता है इतनी दूर से काम नहीं कर रही है। गाइस स्टन गन के लिए मुझे काफी क्लोज जाना पड़ेगा, मैं एम तो कर रहा हूँ लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो रहा। ओके गाइस एक काम करता हूँ, ये वाले पिलर पे आ जाता हूँ, अब मुझे लगता है यहाँ पे काम करेगा। बाहर निकल। ये ले। अरे यार अभी भी काम नहीं कर रही गाइस, मुझे नेक्स्ट वाले पिलर पे आना पड़ेगा। ओके गाइस इस वाले पे चलता हूँ फटाफट से। फाइनली गाइस, ये तू कौन है बे? अबे जा यहाँ से, पुलिस वाला है क्या? मैं पुलिस वाला नहीं, मैं हूँ इस लॉस सेंटर्स का क्या बोले सुपर हीरो। अबे ये नल्ले सुपर हीरो मरना है क्या? भाग यहाँ से। अरे मैं नहीं भागूंगा, मैं तुम लोगों को मगाऊंगा। ओके गाइस मैंने एक बंदे को स्टन कर दिया और यहाँ पे दूसरा बंदा भी स्टन होने वाला है। ये ले इसको भी देते झटके। फाइनली गाइस इसको भी हमने स्टन करके बेहोश कर दिया। अब देखते हैं अंदर कितने आदमी, दो हमने दो को तो लिपटा दिया बाहर में। ओके गाइस अंदर कौन है? अंदर वो रहा और यहाँ पे शीशा, ये बुलेट प्रूफ है, यहाँ पे इसको कुछ हो नहीं रहा है। एक काम करते गाइस, जैसे ही डोर हटेगा इसको रिलोड पे गन जाएगी। ये ले फाइनली ये हुई ना बात। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे ये भी किया और एक ये रहा। काम करते हैं यहाँ से इसको भी। ये पड़ा फटका गाइस, यहाँ पे मैंने सारे के सारे रोबर को नॉकआउट कर दिया। लास्ट वन यहाँ पे जो कि ये वॉल्ट के सामने था। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे सारे के सारे रोबर हो चुके बेहोश, ये हुई ना बात। अरे थैंक यू सर, आपने बहुत ही ज्यादा मदद कर दी, हमारे पैसे डूबने से बचा लिए, थैंक यू सर। ठीक है कोई बात नहीं। ओके गाइस फाइनली गाइस मैंने एक अच्छा काम भी कर दिया और यहाँ पे अपना टास्क भी हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने एक बैंक को रॉबरी से बचा लिया, अब पुलिस आएगी और इन लोगों को जेल में लेके जाएगी। ओके गाइस अपन चलते अब घर पे दोबारा से। यहाँ पे सेकंड टास्क हमने कर दिया कंप्लीट और थर्ड वाला टास्क देखना है कौन सा थर्ड टास्क है गाइस। थर्ड टास्क भी यार ये सेकंड वाला तो पहले वाले से काफी ज्यादा टफ था, लेकिन अच्छा हुआ कि बड़ा कोई बैंक नहीं था गाइस, ये छोटा बैंक था तो यहाँ पे ज्यादा रॉबर नहीं आए थे। अगर बड़ा बैंक होता ना रॉबरी तगड़ी होती, फिर वहां पे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन गाइस यार यहाँ पे मैं लकी हो गया कि छोटे बैंक में रॉबरी हो रही थी। और अपना सेकंड टास्क भी हो चुका है कंप्लीट, अब देखते थर्ड टास्क का क्या करना है। अब ये थर्ड टास्क कैसा होगा गाइस? यार ये टास्क तो कुछ ज्यादा अजीब अजीब है, टास्क ऐसे होने चाहिए थे ना कुछ यार अलग ही। देखते थर्ड वाला टास्क क्या होगा, फटाफट से घर पे पहुंचते।
ये निंजा भाई की स्पीड तो यार काफी ज्यादा तगड़ी पहुंच जाती है। ओके यार, इधर वाले से नहीं, इस वाले रोड से चलेंगे। पहले यहाँ पे स्पीड की लिमिट है, ज्यादा स्पीड में भगा नहीं सकते, लेकिन गाइस अपनी स्पीड तो फुल स्पीड में चलती है। ये फटाफट से घर पे पहुंचेंगे। ओके गाइस, थर्ड वाला टास्क क्या होगा? कि थर्ड वाले टास्क में कुछ भी हो सकता है यार। सेकंड वाला टफ था, थर्ड वाला हो सकता है और भी ज्यादा टफ हो। अरे ये स्पीड तो काफी ज्यादा तगड़ी, मैं काफी आगे आ गया। चलो यहाँ पे पार करते हैं भाई को और यहाँ से सीधा फाइनली गाइस अंदर चलेंगे। और स्टन गन ने यार काफी ज्यादा काम कर दिया। अच्छा ये स्टन गन चार्ज करके रखी थी हमने। ओके ओए मुन्ना, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तेरे को फोन में, तू तो छा गया सोशल मीडिया पे। अरे मुन्ना, तू लॉस एंजेलोस का सुपर हीरो बन गया, क्या बात है। अरे यार भैया, देखा ना मैंने कैसे बचाया बैंक और रोबर से। ओके गाइस, अपन का थर्ड वाला टास्क देखना, अब क्या होने वाला थर्ड वाला टास्क भैया। ओए मैं भी तेरी वीडियो को लाइक कर देता हूँ, ये ले। ओके गाइस, हमने फर्स्ट टास्क कम्प्लीट कर दिया, सेकेंड भी कम्प्लीट, थर्ड है डिफीट 3 एनिमल्स इन रेस। और गाइस चौथा टास्क है लाइक एंड सब्सक्राइब, ये तो आप लोग कर दोगे। थर्ड वाला मैं करता हूँ, फोर्थ वाला आप कर लेना। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे डिफीट करना है एनिमल्स को, हराना है रेस में, वो भी 3 एनिमल्स को। गाइस यार यहाँ पे हमें 3 एनिमल्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा भैया। ओए मुन्ना ठीक है, 3 एनिमल्स का जुगाड़ मैं करता हूँ। ए भैया, ऐसे एनिमल्स का जुगाड़ करना जो कि यार रेस कर सके। ओए ठीक है ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे रेस करनी है 3 एनिमल्स से और उन लोगों को हराना है। ओए ठीक है मुन्ना, अरे बारे गिरा के मुझे। ए भैया फोन में लगे पड़े थे इसलिए। ओए मैं लिख रहा था कि वो मेरा ही भाई था जो कि बैंक रॉबरी में बैंक रॉबर की वाट लगा दी। हाँ भैया, क्रेडिट तो तुम्हें चाहिए ना। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पे फटाफट से एनिमल का भैया जुगाड़ करो और हम रेस करेंगे बीच पे भैया, सेटअप पूरा लगा के। ओके गाइस, फाइनली हमने यहाँ पे पूरा सेटअप लगा दिया और भैया यहाँ पे 3 एनिमल्स लेकर आ चुके हैं। ओके पहला ये हस्की डॉग है और एक काली बिल्ली और एक गाइस यहाँ पे काव है। यार इन तीनों से रेस कर रहे हैं मुझे। वैसे हस्की डॉग गाइस आप लोगों को पता है कि ये विंटर वाले पेट होते हैं जो कि ठंडी में रहते, और ये बीच पे कहीं दौड़ पाएगा, क्या बात है भैया। ओए इसलिए तो मैं इसको लेकर आ गया क्योंकि ये ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाएगा रेत पे। अरे हाँ भैया सही कहा। ओके गाइस, हम रेस करने वाले स्टार्ट। हे दोस्तों, फाइनली हो चुके रेस स्टार्ट, मुझे भागना है। ओए मुन्ना भाग जल्दी, बातों में लग गया और वो एनिमल्स तेरे से आगे हैं। अरे गाइस, सबसे पीछे बिल्ली है। अबे बिल्ली, हे पिद्दी बिल्ली। गाइस बिल्ली के छोटे छोटे पैर है ये पीछे, और यहाँ पे हस्की भी काफी फुल स्पीड में भाग रहा है। मैंने फाइनली बिल्ली को तो पीछे कर दिया है। अरे यार फटाफट से इस हस्की को भी पीछे करना है, लेकिन सबसे आगे गाइस एक गाय भाग रही है कुछ ज्यादा तेज में। ओए मुन्ना जल्दी कर। ए गाइस यार, ये वाला टास्क तो मुझे काफी यार टफ लग रहा है, गाय लगता है मुझे हराना दे। अरे काव रुक जा, कुछ काव रुक जा। ओके गाइस चली 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 चली, मुझे भागना पड़ेगा। फाइनली मैंने हस्की डॉग को भी पीछे कर दिया यहाँ पे। ए सेकंड पोजीशन मेरी चल रही है। गाइस यार ये तो कुछ ज्यादा तेज भाग रही है। अबे रुक जा रुक जा। ओके गाइस गाइस, फिनिश लाइन आ चुकी है, फिनिश लाइन आ गई। नहीं 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 नहीं, गाइस 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी भागता हूँ। ओके 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 ओके, फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ, फाइनली पहुंचने वाला हूँ। अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये हुई ना बात। ये फाइनली गाइस, मैं गाइस आगे हो गया और यहाँ पे सीधा ये मैं जीत गया। यहाँ पे मैंने 3 एनिमल्स को डिफीट कर दिया रेस के अंदर। ये हुई ना बात गाइस। यार यहाँ पे तीसरा टास्क भी हो चुका है कंप्लीट अपना। अब हम लोग चलेंगे सीधा घर पे और देखते हैं क्या सीक्रेट डोर ओपन हुआ कि नहीं। ओए टास्क तो कंप्लीट हो गए तो डोर भी ओपन ही हो जाएगा। हाँ भैया सही कहा। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अगर हम डोर को खोलते हैं बाहर की साइड भैया, तो सारा स्विमिंग का पूल का पानी भैया झरना बन जाएगा डोर से। ओए सही कहा मुन्ना, तो कर क्या सकते हैं। हे भैया ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फाइनली गाइस डोर हो चुका है अनलॉक और हम लोग निकलते हैं फटाफट से डोर खोल के अंदर। ये अरे बाप रे, ये कहाँ गया, ये क्या आ रही यार होगी भैया। मैं तो बहते जा रहा हूँ, मुझे पकड़ो। अरे यार सिंचन, मैं खुद बह रहा हूँ। ओए मुन्ना बाप रे, मेरी वाट लगे। अरे गाइस यार फटाफट से मैं तो बाहर आ गया। ये भैया ओए, ए भैया ये कैसी जगह भैया, स्विमिंग पूल का पानी तो पूरा भर गया यहाँ पे। ओए मुन्ना देख रहा कितने तगड़े में पानी गिर रहा है भैया, ये कैसी गुफा यार, एक नंबर की सीक्रेट जगह है। ओए मुन्ना ये तो बहुत ही तगड़ा मेंशन है।
ए भैया सही कहा होगे गाइस, ये बहुत ही बड़ा मेंशन है जो कि यार उस सीक्रेट डोर के अंदर से मैं यहाँ पे भेजा है। ये मेंशन बना किससे यार? ये तो पूरा का पूरा शीशे से बना है। अरे ये लोग कौन है? ये गाइस ये छपरी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अबे तुम लोग कौन हो? सर हम रोबोट हैं, हम आपके नौकर हैं काम करने के लिए। अच्छा ठीक है, मेंशन में गाइस यहाँ पे रोबोट नौकर बना दिया। यार यार आजकल के रोबोट भी पता नहीं चलते ह्यूमन से कि रोबोट है। ओके गाइस ये डोर क्यों नहीं खुल रहा? अबे खुल जा सिम से। एक काम करते हैं पूरे घर को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। गाइस ये घर तो पूरा का पूरा शीशे से बना हुआ, ग्लास से देख रहे हो, इसमें वॉल का काम बहुत कम हुआ है, पूरा ग्लास ही ग्लास लगा दिया, जिसकी वजह से पहला ग्लास मेरे से टूट गया। अरे अरे ये क्या घर का पूरा ग्लास ही टूट रहा है? ये अपना किचन हो गया। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई। फाइनली गाइस हम ऊपर निकलते हैं। अरे यार ऊपर जाने के लिए यहाँ पे डोर खुल जा खुल जाओ। फाइनली गाइस हम लोग ऊपर आ गए और यहाँ पे भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू मिल रहा है। यार मज़े आ गया, सीक्रेट डोर ने हमें एक नया सीक्रेट मेंशन दे दिया जो कि यार पूरा शीशे का बना हुआ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ए दोस्तों और ये रहा बेड, काम करते इस बेड पे यार अपना मास्टर बेडरूम। ये रहा, ये हुई ना बात गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। फाइनली यहाँ पे हमारे पास अपना खुद का सीक्रेट मेंशन है जो कि यार एकदम ही, ये झरना किससे बना ये नहीं पता मुझे, झरने का पानी स्विमिंग पूल से निकल के आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग पूल का पानी आ रहा है। ये हुई ना बात भैया 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 ओए मुन्ना मैं नीचे नहा रहा हूँ। अरे भैया नहा रहे? ओके गाइस मजे आ गया। अरे यार ये डोर ये गाइस यार ये हुई ना बात, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेंशन में काफी ज्यादा बढ़िया भी लगा है।